आईफोन में आई का मतलब क्या होता है, और एक ऐसा गांव जहां सभी लोग अंधे होते हैं, और एक ऐसा झरना जिस पर आप दौड़ते दौड़ते चढ़ सकते हो, शर्ट्स के ऐसे बटन जो बने होते हैं दूध से। ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स के लिए देखते रहिए वीडियो को अंत तक। नंबर 15, दुनिया में एक ऐसा गांव है जहां सभी लोग अंधे होते हैं। मेक्सिको के प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में टेल्टेपैक नाम का एक गांव है। इस गांव में करीब 16 झोपड़ियां हैं और वहां 300 के करीब रेड इंडियन रहते हैं, लेकिन इस गांव में सभी लोग अंधे हैं। यहां पर इंसान ही नहीं बल्कि पालतू जानवर कुत्ते बिल्ली सभी अंधे हैं। पर इस गांव में पैदा होने वाले बच्चे अंधे नहीं होते हैं बल्कि उनकी आंखों की रोशनी सही सलामत होती है, लेकिन समय के साथ वो अपनी आंखों की रोशनी खो बैठते हैं। यहाँ के लोग मानते हैं कि लाव जुएला नाम का एक मिस्टीरियस ट्री है जिसे देखने के बाद यहाँ सभी लोग और पशु पक्षी अंधे हो जाते हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि गांव में जहरीली मधुमक्खी बड़ी तादाद में पाई जाती है जिसके काटने के बाद यहाँ सभी लोग अंधे हो जाते हैं। नंबर 14, दोस्तों आपने अपने शर्ट्स पर प्लास्टिक के बटन तो जरूर देखे होंगे, लेकिन क्या आपने ऐसे बटन को देखा है जो बने होते हैं दूध से? नहीं ना, तो हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसे ही बटन के बारे में जो बना है दूध से, जिसका नाम है गैलालिथ, जो कि दिखने में प्लास्टिक के बटन जैसा होता है। दरअसल गैलालिथ 19वीं सदी से ही काफी प्रचलित है क्योंकि इसे बनाना बेहद ही आसान होता है और ये एनवायरमेंट फ्रेंडली है क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल होता है और ये किसी भी लिक्विड के संपर्क में आने पर वैसा ही रहता है और इसमें कोई बदलाव नहीं होता है। नंबर 13, आमतौर पर किसी सामान्य खरगोश का औसत वजन 4 से 5 किलो का होता है, लेकिन दुनिया में एक ऐसा खरगोश है जिसका वजन 22 किलो का है। इस खरगोश का नाम डेरियस है। ये वजन और लंबाई दोनों के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा खरगोश है। सबसे लंबे और सबसे वजनी इस खरगोश का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। इसकी लंबाई 4.4 फीट है। इस खरगोश की खुराक सबसे ज्यादा है। ये खरगोश हर दिन 2.5 किलो गाजर और 1 किलो सेब खा जाता है। इसके अलावा यह दिन भर कुछ न कुछ खाता ही रहता है। भारी भरकम शरीर रहने के बाद भी ये ज्यादा एक्टिव रहता है। ये काफी फ्रेंडली भी है और इंसानों के साथ काफी जल्दी घुल मिल जाता है। नंबर 12, माल्या और लेबनान जैसे देशों में महिलाओं के खिलाफ अजीबोगरीब कानून है। इस कानून के मुताबिक अगर कोई लड़की को अगवा करके उससे शादी कर लेता है तो उसका अपराध खारिज हो जाता है। हालांकि इस तरह की शादी में शर्त होती है कि 5 साल से पहले तलाक नहीं लिया जा सकता है। नंबर 11, बुआथोंग नाम का झरना थाईलैंड में स्थित है। यह झरना इतना अनोखा है कि आप इसमें बहते पानी में दौड़ते हुए चढ़ सकते हैं। 300 फीट ऊंचाई वाले इस झरने को चिपचिपा झरना भी कहते हैं। इस झरने में लोग दौड़कर इसलिए चढ़ जाते हैं क्योंकि इसमें ग्रिप वाली लाइमस्टोन चट्टाने हैं। ये चट्टाने छूने पर स्पंज की तरह महसूस होती है, इसी वजह से खुद को चोट पहुंचाए बिना आसानी से चढ़ सकते हैं और इस चट्टानों में काई भी नहीं जमती है। अगर किसी को चढ़ने में परेशानी हो जाए तो साइड में रस्सी बांधकर चढ़ा या उतरा जा सकता है। नंबर 10, गिरगिट रंग बदलता है, ये सभी लोग जानते हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं दुनिया में बिल्ली की एक ऐसी प्रजाति है जो रंग बदलती है? रंग बदलने वाली इस बिल्ली का नाम सीमासी कैट है। सीमासी कैट टेम्परेचर के अनुसार अपना रंग बदलती है। जन्म से सभी सीमासी कैट सफेद रंग की होती है, फिर कुछ हफ्तों के बाद उसका रंग बदलने लगता है। एक बार रंग बदलने के बाद सालों भर टेम्परेचर के अनुसार उसका रंग बदलता रहता है। हालांकि उसका एक्चुअल कलर पूरी तरह से नहीं बदलता है बल्कि यह कलर भूरा या हल्का भूरे रंग का होता है। नंबर 9, दोस्तों दुनिया में जितने जीव जंतु हैं उन सभी के कान सिर के पास होते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि झिंगूर के कान उसके सिर के पास नहीं बल्कि उनके घुटनों के पास होते हैं। आज तक कोई वैज्ञानिक नहीं समझ पाया कि झिंगूर के कान सिर के पास न होकर घुटनों के नीचे क्यों होते हैं। नंबर 8, आपने आज तक घर और बिल्डिंग को ईंटों और पत्थरों से बनते देखा होगा, लेकिन वियतनाम के होम थॉम नाम के द्वीप पर एक ऐसा घर है जिसकी दीवारें टीवी से बनी हुई है। इस घर को पुराने टीवी और खराब टीवी के सेट से बनाया गया है और ये घर इतना फेमस हो चुका है कि यहाँ सभी लोग सेल्फी खिंचवाने जाते हैं। नंबर 7, आप लोगों ने काली भूरी और नीली रंग की आंखों को तो देखा होगा, वैसे जानवरों के पास भी ऐसी रंगों की आंखें होती है जो किसी नियॉन लाइट की तरह चमकती है, डर भी लगता है। मगर कभी आपने किसी इंसान की ऐसी आंखें देखी है जो रात के अंधेरे में चमकती है? नहीं ना, तो हम आपको बताएंगे ऐसे ही बच्चे के बारे में जिसकी आंखें रात को जानवरों की तरह चमकती है। चीन के गांव ग्वांजी में रहने वाला नोंग यूई की आंखें किसी साधारण बच्चे की तरह नीली हैं, पर रात होते ही किसी जानवर की तरह चमकने लगती है। पर जब नोंग को डॉक्टर के पास ले जाया गया तो डॉक्टर ने कहा उम्र बढ़ने के साथ उसकी आंखों का रंग भी अपने आप ठीक हो जाएगा। दिन निकलते गए और रात बीतते गई। एक दिन उसने स्कूल में ठीक से न दिखने की शिकायत की। नोंग की टीचर ने देखने के लिए जैसे ही उसकी आंखों में टॉर्च लगाई तब उसकी आंखें चमकती हुई देख कर वह भी चौंक गई। नोंग की आंखों को जब अंधेरे में चेक किया गया तो पता चला नोंग अंधेरे में साफ देख सकता है और वो रात के अंधेरे में किसी भी बुक को साफ साफ देख सकता है। नोंग सारी दुनिया में बिल्ली की आंखों वाले लड़के के नाम से मशहूर है और अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करवा चुका है। नंबर 6, फ्रांस के डॉक्टर और सीरियल किलर मार्सेल पेटियोट ने अपनी जिंदगी में 100 से ज्यादा लोगों का मर्डर किया था। जब पुलिस को इसके जुर्म के बारे में पता चला तो तब उसने दाढ़ी बढ़ाई और खुद पुलिस में ज्वाइन हो गया और पुलिस के साथ मिलकर खुद को तलाश करने लगा। अपना रूप और नाम बदलकर कुछ दिनों तक पुलिस को बेवकूफ बनाता रहा, पर उसके किसी दोस्त ने पुलिस को इसकी सूचना दे दी और उसके बाद वह गिरफ्तार कर लिया गया। नंबर 5, एक ही मोबाइल के अलग अलग वेरियंट्स की अलग अलग रंगों के अलग अलग प्राइस होते हैं, जबकि उस मोबाइल की बाकी सारी चीजें एक समान होती है। दरअसल ये बात आपने भी नोटिस की होगी, एक ही फोन में अलग अलग रंगों के प्राइस देखे जाए तो अलग अलग होते हैं। आखिर क्यों?
दरअसल ये कंपनी वालों को पैसा कमाने का एक जरिया है। अगर आप किसी मोबाइल में अपने पसंद का कलर चाहते हैं तो कंपनी वाले उसके लिए ज्यादा पैसा चार्ज करते हैं, जिससे कि उनको और प्रॉफिट होता है। मोबाइल में अलग अलग रंगों में 500 या 1000 का डिफरेंस होता है। वैसे तो कंपनी वाले सेम फोन के अलग अलग वेरियंट्स अलग अलग प्राइस रखते हैं, पर ज्यादातर उस कलर की रॉयल्टी पर डिपेंड करता है। ज्यादा रॉयल कलर के लिए आपको ज्यादा पैसे चुकाने पड़ते हैं। नंबर 4, दोस्तों आइसलैंड एक ऐसा देश है जहाँ लड़कियों से शादी करने के लिए सरकारी नौकरी मिलती है और वहाँ का सिटीजनशिप भी मुफ्त में दे दिया जाता है। नंबर 3, आखिर सिलेंडर में छेद क्यों होता है? ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें एयर सर्कुलेशन बना रहे और जमीन और सिलेंडर के निचले हिस्से में हवा आती जाती रहे, और इसलिए भी होता है क्योंकि इसमें जंग लगने का खतरा बना रहता है जो सिलेंडर को डैमेज कर सकता है। नंबर 2, क्या कभी आपने सोचा है कि आपके हाथों में सबसे ज्यादा सेंसिटिव उंगली कौन सी है? नहीं सोचा होगा तो चलिए मैं बताना चाहूंगा कि हमारे हाथों की सबसे ज्यादा सेंसिटिव उंगली हमारे अंगूठे के बाद वाली उंगली होती है। नंबर 1, कभी आपने सोचा है आईफोन में आई का क्या मतलब होता है? नहीं सोचा होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जब 1998 में जब आई मैक लॉन्च किया गया था, तब स्टीव जॉब्स ने बताया कि आई का मतलब इंटरनेट होता है, क्योंकि उस समय लोगों के लिए इंटरनेट नई चीज थी और आई मैक को लाने का कारण यही था कि इंटरनेट से फास्ट वर्क किया जा सके। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया, आई का मतलब चेंज होता गया। आई का मतलब इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्ट, इंडिविजुअल, इन्फॉर्म या इंस्पायर होता गया।